प्रिय श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ध्यान करने से क्या होता है। आप में से ही बहुत से प्रिय मित्रों ने ये मेल कर पूछा है कि लगातार ध्यान करने से क्या हो सकता है, ध्यान क्यों करना चाहिए। यदि आप सोना बंद कर दें तो क्या होगा? नींद आपको फिर से जिंदा करती है। उसी तरह ध्यान आपको इस विराट ब्रह्मांड के प्रति सजग करता है। वह आपके आसपास की ऊर्जा को बढ़ाता है। कहना चाहिए कि आपकी रोशनी को बढ़ाकर आपको आपकी होने की स्थिति से अवगत कराता है। अन्यथा लोगों को मरते दम तक भी यह ध्यान नहीं रहता कि वो जिंदा थे। ध्यान से व्यक्ति को बेहतर समझने और देखने की शक्ति मिलती है। साक्षी भाव में रहकर ही आप स्ट्रांग बन सकते हो। यह आपके शरीर, मन और आपके यानी आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। दूसरों की उपेक्षा आपको देखने और सोचने का दृष्टिकोण एकदम अलग होने लगता है। ज्यादातर लोग पशु स्तर पर ही सोचते, समझते और भाव करते हैं। उनमें और पशुओं में कोई खास फर्क नहीं रहता। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी ईर्ष्या, लालच, झूठ और कामुकता से भरा हो सकता है, लेकिन ध्यानी व्यक्ति ही सही मायनों में यम और नियमों को साध लेता है। इसके अलावा ध्यान योग का महत्वपूर्ण तत्व है जो तन, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। ऊर्जा केंद्रित होने से मन और शरीर में शक्ति का संचार होता है एवं आत्मिक बल बढ़ता है। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। वर्तमान में हमारे सामने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की प्रेरणा और दक्षता भी ध्यान से प्राप्त होती है। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में वह नहीं पा सकते जो ध्यान आपको दे सकता है। ध्यान ही धर्म का सत्य है। बाकी सभी तर्क और दर्शन की बातें हैं जो असत्य भी हो सकती हैं। सभी महान लोगों ने ध्यान से ही सब कुछ पाया है। अच्छा, जरा सोचो, हम क्या हैं? आंख, कान, नाक, संपूर्ण शरीर या मन या मस्तिष्क? नहीं, हम इनमें से कुछ भी नहीं हैं। ध्यान हमारे तन, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। स्वयं को पाना है तो ध्यान जरूरी है, वही एकमात्र विकल्प है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से सभी तरह के रोग, शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांत, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्या होगा ध्यान से? ये भी अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता रहता है। हर तरह का भय चला जाएगा, चिंता और चिंतन से उपजे रोगों का खात्मा हो जाएगा, शरीर में शांति होगी तो स्वस्थ अनुभव करोगे, कार्य और व्यवहार में सुधार होगा, रिश्तों में तनाव की जगह प्रेम होगा, दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, सफलता के बारे में सोचने मात्र से ही सफलता आपके नजदीक आने लगेगी। आइए अब ध्यान के महत्व के बारे में बात करते हैं। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है।
शुद्ध रूप से देखने की क्षमता बढ़ने से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने से होश बढ़ता है। होश के बढ़ने से मृत्यु काल में देह के छूटने का बोध रहेगा। देह के छूटने के बाद जन्म आपकी मुट्ठी में होगा। यही है ध्यान का महत्व। सिर्फ तुम खुद तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग ध्यान ही है। ध्यान को छोड़कर बाकी सारे उपाय प्रपंच मात्र हैं। यदि आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप स्वयं को पाने से चूक रहे हैं। स्वयं को पाने का अर्थ है कि हमारे होश पर भावना और विचारों के जो बादल हैं उन्हें पूरी तरह से हटा देना और निर्मल तथा शुद्ध हो जाना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ पा लेने की लिस्ट में सबसे ऊपर स्वयं को रखो, मत चूको। 70 साल 70 सेकंड की तरह बीत जाते हैं। योग का लक्ष्य ये है कि किस तरह वह तुम्हारी तंद्रा को तोड़ दे। इसीलिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा को ध्यान से पहुंचने की सीढ़ी माना गया है। ध्यान से तनाव के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। निरंतर ध्यान करने से जहां मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं वह विश्राम में रहकर थकान मुक्त अनुभव करता है। गहरी से गहरी नींद से भी अधिक लाभदायक होता है ध्यान। आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं, आपकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। ध्यान से आपकी चेतना को लाभ मिलता है। ध्यान से आपके भीतर सामंजस्यता बढ़ती है। जब भी आप भावनात्मक रूप से अस्थिर और परेशान हो जाते हैं तो ध्यान आपके भीतर से स्वच्छ, निर्मल और शांत करते हुए हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते हैं वह शांत होने लगता है और ये शांति ही मन और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। ध्यान से भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करने में ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और इस अवधि को बढ़ाकर 1 घंटे तक ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आप नियमित रूप से ध्यान करें। यदि ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है तो यह आपके दिन का सबसे बढ़िया समय बन जाता है। आपको इससे आनंद की प्राप्ति होती है और नियमित ध्यान करने से 3 से 4 महीने बाद आप पाएंगे कि आप एक गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं।